फरिश्ता 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 शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा मतलब क्या है? ये सब ग्रहण छूट गया तभी हम शुद्ध आत्मा है। ये सब तरह के बंधन के रस्सियों से हम पूरी तरह से ऊपर उड़ गया तभी तब तक ये सब हमको खींचते रहते हैं तब हम कैसे फरिश्ता रहते? इनके साथ रिश्ता रह करके कैसे फरिश्ता हो सकता है? आत्मा जब परंधाम में रहते क्या इनका कोई खींचतान था? कोई खींचतान था? सत्युग में इन सब का परिचय था? सत्युग में क्रोध का किसी का परिचय था? मोह का परिचय था? इसलिए उसको क्या कहते हैं? देवता। देवता अर्थात क्या है? देह के बांध से दूर। वो सब देवता ही देह का बांध ही नहीं, देह से दूर वतन के वासी, वो है देवता। हम बनते सत्युग का देवता अलग। इधर कलयुग में अभी के समय में सबको कौन देखने में नजर आए? देवता। देह मना देने वाला, वतन मना वतन वासी, देने वाला वतन वासी, देवता आत्माएं। हम है शुद्ध आत्माएं, हम है क्रोध मुक्त आत्माएं, हम है परमात्मा के शांति देवता आत्माएं। हमसे बढ़कर कौन है इस दुनिया? हमारे पास जब तक ये पहचान नहीं होता, जैसे डॉक्टर को क्या कहते हैं, कोई छोटी सी बीमारी होता है तो पहले बोलता है इट्स ओके, आप ये दवा लो। फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक बार आप स्कैन किए जाना दिमाग में क्या लगा। तब हम क्या करते हैं? है या नहीं उसको फाइनल करने के लिए स्कैनिंग करना, वो एंडोस्कोपी करना, कुछ 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 करते हैं। जब वो नहीं है तो अंदर क्या होता है? रिलैक्स। तो परमात्मा भी हमको बट्टी में क्यों रखता है? ये बट्टी बट्टी क्यों रखता है? बट्टी मतलब कान कान करके सुन के टाइम पास करके जाने के नहीं, ऐसे अंदर की कमी कमजोरियों को स्कैन करके उसको पूरी रीति से समाप्त करके अंदर ऑपरेशन सक्सेसफुल करके जाना है, वो है बट्टी। बट्टी मतलब परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या है? आपको एक नया पॉइंट आपको बता देता हूं। परिवर्तन नाम कितना अच्छा है। परिवर्तन मना हमारा वर्तन यानी बिहेवियर परी जैसे होना है। हमारा वर्तन कैसा होना है? परी। परी मना कौन? परिश्रम। वर्तन कैसा होना है? व्यवहार परिवर्तन। देखते भी फरिश्ता, चलते भी फरिश्ता, गाते भी फरिश्ता, पीते भी फरिश्ता, किसी के साथ बात करते भी फरिश्ता, व्यवहार में आते भी फरिश्ता। वो परी कौन बन सकता है? अंदर पूरा जिद का संस्कार रख करके, नफरत का संस्कार रख के, डर के संस्कार रख करके, द्वेष का संस्कार रख के, अहंकार का संस्कार रख के, शत्रुता का संस्कार रख के, निंदा करते दूसरों को, दूसरों का मन को चुगली होकर चुगते हैं, क्या वो फरिश्ता बन सकते? क्या वो फरिश्ता बन सकते?